दोस्तों स्वागत है आपका एक और व्लॉग में। मैं ज्ञान देने की कोशिश कर रहा था खुद को भी, मेंटल पीस के बारे में बात कर रहे थे, नई नई हैबिट्स के बारे में बात कर रहे थे, आज उठ ही नहीं पाया। तो यही प्रॉब्लम होती है हमेशा, हर बार कुछ नया करने जाओ तो पुरानी आदतें ना ऐसे ही इनहेरिट हो रखी है ना कि बस मामला ख़राब हो जाता है। 7:30 बजे उठा, 5 बजे का अलार्म भरा हुआ था। एक्चुअली हुआ क्या सुबह कि 6 बजे तक तो अंधेरा था, फिर वो ऐसी आँख लगी दोबारा कि उठ ही नहीं पाया। 7:30 बजे उठा, फिर पता चला कि भाई दूध भी लेने जाना है, तो भाग भाग के दूध लेने गया, डेयरी भी बंद हो जाती, तो उसी में सारा टाइम लग गया। और अब थोड़ी देर छत पे घूम रहा हूँ, वर्कआउट योगा मेडिटेशन सब का टाइम तो खोटी हो गया बिल्कुल। पहले ही दिन फेल हो गया यार तो पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा अब क्या करूं, दिन की शुरुआत ही ख़राब हो गई है। बस रात को ना इतना शोर हो रहा था जंगली जानवरों का, जंगली जानवरों में क्या, ये जो झाड़ी है ना यहाँ पे, इस झाड़ियों से लोमड़ी और गीदड़ वगैरह की जो आवाज़ है ना वो आ रही थी बहुत तेज तेज। और मैं नीचे इस वाले रूम में सोया हुआ था, तो पक्षियों की आवाज़ भी बहुत तेज तेज आ रही है, सारी रात आ रही थी बिल्कुल। मतलब वैसा शोर शराबा नहीं है, मतलब ऐसा है कि जो आपको अच्छा लगता है कानों को। तो फिलहाल तो टाइम है नहीं क्योंकि 10 बजे काम शुरू हो जाएगा, तो अभी बज चुके हैं 8:30 हो गए मेरे ख्याल में, 8:30 हो गए हैं। अब नीचे जाके ब्रेकफास्ट बनाना पड़ेगा, और ब्रेकफास्ट बना के और भाई फिर अपना काम शुरू करते हैं। तो देखते हैं रूटीन, उसके बाद दिन में आपको घुमाने ले जाते हैं इधर उधर थोड़ा सा। तो मतलब सारा ना मतलब मूड ही ख़राब हो गया, तो पता नहीं मज़े वाली बात नहीं आई। हे भगवान, ठीक है, वेलकम बैक अगेन। तो भाई सुबह जाना पड़ गया था मुझे कुछ काम से बाहर, तो अभी आया हूँ, कुछ खाया भी नहीं है आज तो सुबह से। तो देखते हैं किचन में क्या क्या है, साफ सफाई तो हो गई थी सुबह तो बनाना पड़ेगा। है तो बहुत कुछ, बट अभी दाल भी है यार, काम में बस यही दिक्कत होती है कुछ, आप खाने पीने में बड़ा लोचा हो जाता है। तो कुछ खा लेता हूँ, उसके बाद देखते हैं बाकी का काम, कुछ बना लेता हूँ। आज के लिए दाल है प्लस स्क्रैम्बल्ड एग्स हैं और चावल हैं थोड़े से, चल जाएगा काम। ठीक है, गुड इवनिंग। तो अभी मैं निकल चुका हूँ घर से रेडी होके, तो शाम होने को है और 2 दिन हो गए मुझे यहाँ आए हुए, और मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने अकेले स्पेंड किया है। तो देखते क्या है, मतलब कुल मिला के मिक्स है सब कुछ। एक तो काम इतना करना पड़ रहा है ना, बस उसमें पुंगी बज गई। कल रात मैं बता रहा था ना आवाज़ें आ रही हैं, कल रात ना ये जो जगह है ना यहाँ, ये पेड़ों के नीचे, यहाँ लोमड़ी का परिवार रहता है। वो आज जब दिन में दुकान पे कुछ सामान लेने गया ना मैं, तो उन्होंने बताया था कि एक लोमड़ी की फैमिली है, उसके बच्चे भी हैं यहीं है, उसने घर बना रखा है, तो वो रहा आवाज़ करती रात में
अभी पता है क्या है कि दूसरा दिन होने को आया है, ऑलमोस्ट आई स्पेंड ऑल द टाइम अलोन मतलब अकेले। हाँ हालांकि सुबह मुझे काफ़ी मतलब अच्छा फील गुड फैक्टर था ना, वो सुबह ख़त्म हो गया कि मैं लेट उठा, नींद अच्छी आई वो अच्छी चीज़ थी, लेकिन सुबह उठ के जो मैंने प्लान किया था वो मैं नहीं कर पाया, वो मतलब एक तरह से फेल ही हो गया यार, फेलियर हो गया पहले ही दिन। यहाँ जितने भी गांव है ना उनको जंगल से होकर गुजरना पड़ता है, और ये जंगल वालों की चौकी यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पे सफारी जोन भी बन गया है, ये देखो ये जिप्सी घूम रही है। तो मतलब ना यहाँ ना वर्थ है भी और नहीं भी, कुल मिला के बात ये है कि मटेरियलिस्टिक है बहुत ज़्यादा, तो मटेरियलिस्टिक है तो ऑब्वियसली आपको सिटी में ही रहना चाहिए, ठीक है, तो फिर ये जगह आपके लिए नहीं है बिल्कुल भी। हाँ अगर आप थोड़ा बहुत भी कम मटेरियलिस्टिक हैं, जिसको मतलब शांति से रहना पसंद है, तो आप यहाँ आ सकते हैं, रुक भी सकते हैं, घर किराए पे मिल जाएगा आप मतलब यू नो, तो अपने जो एंडेवर्स हैं वो आप पूरा कर सकते हैं यहाँ भी। लेकिन एक चीज़ मैं बता रहा हूँ भाई, यहाँ चकाचौंध मॉल्स वगैरह कुछ नहीं है यहाँ, ठीक है, आपको ग्रोसरी शॉप मिल जाएगी, खाने पीने का सामान मिल जाएगा, बनाना खुद ही पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा चाहिए सब कुछ आलीशान चाहिए तो यू हैव टू पे फॉर दैट, उसके लिए यहाँ पे रिजॉर्ट्स बने हुए हैं बहुत सारे। तो मैं जंगल के बीच पहुँच गया, फिलहाल आप जर्नी एंजॉय करो, बाकी बातें बाद में करते हैं। कुछ लोगों से मिलाता हूँ यहाँ पे, कुछ एक अच्छे दोस्त बन गए मेरे। अभी पतझड़ जस्ट खत्म हुआ है ना, तो जंगल सूखा हुआ है, कभी वो हरियाली नहीं है, वो बात नहीं है मतलब। गढ़ जाएंगे मंदिर में, रुकेंगे 2 मिनट के लिए, वहां से एक बंदे को लेंगे, एक या दो जितने भी होंगे, और फिर एक अच्छी सी जगह चलते हैं, चाय पीते हैं शाम की, और अपने दिन को अच्छे से ख़त्म करते हैं। ये सारा जंगल है भाई, सारा बिल्कुल देखो, जगराता चल रहा था क्या? हाँ जगराता चल रहा है। अच्छा अभी भी चल रहा है? हाँ 11 दिन का है। अच्छा 11 दिन का है, किस हनुमान जी का है या शिवजी का है? यार मैं हो जाता हूँ, मैं हो जाता हूँ, 2 मिनट लगा लूँ गाड़ी, शायद लगा लो है ना। चलो भाई भोलेनाथ जी के चरणों में चलते हैं थोड़ी देर के लिए। दान वान करने का काम मैं एक बार हाथ धोलूँगा, एक बार इसको बोलूँगा, फोटो पा गए, वीडियो बना लेते हैं।
तो ये है अपने मित्र यहाँ के हरीश, हरीश बेस्ट, और पीछे है सोनू, ठीक है। इन लोगों ने बड़ी मदद की है यहाँ शिफ्ट होने में मेरी। तो लक्ष्मण वहाँ है, कोटाबाग में है। अच्छा हमारा जी 1.5 साल से यहाँ है। और मिले हैं हमें अपनी बात करें और क्या भाई, अपने अपने वाले में बात करे बिना क्यों कर काम चालो। हाँ ये जींद के है, हमारे उससे थोड़ा सा आगे है, हाँ सोनीपत से आगे पड़ता है। सोनीपत से गोवा आना है, गोवा आने से जींद के और रास्ता जाता है फिर। ठीक है बाबा जी, पहले ठीक है, बढ़िया है। अच्छा सही टाइम पे हो जाता है। हाँ, ना ना सही है भाई, हमारे हिंदुओं में यही तो कमी है, अपनी चीजों को संभाल के नहीं रखते हम। एक बीच में पीछे से होने वाला चीज बोलते रहता है ना, तब काम तभी होते हैं, बाकी सामाजिक काम हो जाए, मैं कहाँ टाइम है, किसको टाइम रहता है। पापा रहते हैं तो कहता रहता है कुछ ना कुछ, पापा वो कहता रहता तो हो जाता है। भाई कोई 500 देता है, कोई 1000 देगा, कोई अपनी श्रद्धा से जितना होता है उतना देता है, ऐसे काम होते हैं। भाई पहले करता था वो है, तो पहले पड़ा हुआ एक जिम, हाँ ठीक ठाक है वो, हाँ कंधे में आराम हुआ है यार, ये कंधे की सर्जरी नहीं करवाई थी मैंने, हाँ अब आराम हुआ है इसमें थोड़ा सा, तो अब देखिए। हाँ ये चोट लग गई थी जिम में ही, टीयर हो गया था पूरा, हाँ सर्जरी करवाई फिर। हाँ हाँ शहर में थोड़ा क्रेज है, यहाँ तो फिजिकल वर्क फिर वैसे ही हो जाता है ना बहुत ज़्यादा भाई, वहाँ तो पैसे खर्च के हेल्थ बनानी पड़ती है। प्रोटीन प्रोटीन, हाँ और क्या भाई, आदत बन गई मेरी। असल में भाई क्या है कि जो प्रोफेशनल करते हैं ना, उसको बहुत सारी चीज़ों की जरूरत पड़ती है। अब हमारे खाने में है खाद पानी ज़्यादा डालते हैं ना, तो वो उतना असर करता नहीं, फिर बाहर से चीज़ें लेनी पड़ती हैं। पता क्या है, ये अलग अलग चीज़ें आ गई, जो प्रॉपर बॉडी प्लान करता है तो प्रॉपर डाइटिंग भी करता है। हाँ जो अब जैसे बॉडी बिल्डिंग है ना, तो बॉडी बिल्डिंग एक स्पोर्ट हो गया, तो राम राम जी, ठीक है बहुत बढ़िया। ये लो भाई आज दिन बन गया, अब शाम को कितना ब्यूटीफुल सनसेट हो रहा है। सारा दिन घर पड़े पड़े ना, बस बहुत घुमक्कड़ आदमी हूँ मैं, बिल्कुल घूमे बिना काम नहीं चलता। तो अब ये दोनों भाई लेके आए हैं मुझे, देखो इस जगह पे खाने के लिए अच्छी जगह है, ये छत है नीचे, ये दाबका नदी है, ये देखो भाई गजब नज़ारा बन रहा है। सही है मतलब रहने के लिए, अब लग रहा है कि रहने के लिए सही है। हालांकि 10 किलोमीटर आना पड़ा है मुझे इस जगह के लिए, लेकिन सही है बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया अब। और ये पूरा का पूरा कॉर्बेट नेशनल पार्क में आता है, पूरा का पूरा एरिया, पूरा ऊपर तक। तो भाई हम यहाँ बैठ के गप्पे शप्पे करते हैं, कुछ खाते पीते हैं, गप्पे शप्पे फोड़ते हैं, और आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है, क्योंकि आपका लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। तो देखते हैं ये ट्रिपी माउंटेंस, कल मिलते हैं आपसे, बाय बाय।